पुण्यात्माओं, ये इतना प्रसंग अब लगभग डेढ़ घंटा हो गया। इस डेढ़ घंटे में यह भूमिका बनी है जो दास आपको ये कथा जो सुनाने जा रहा है, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक से चलकर आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, परिचित कराते हैं, काल के द्वारा, इस ब्रह्म के द्वारा फैलाए गए अज्ञान के आधार से सभी प्राणी भ्रमित होते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले एक अमृतवाणी बोली थी, जब धर्मदास जी ने सारा ज्ञान समझ में आ गया और तब बताया था परमेश्वर ने कि मेरे साथ दो भाई, मैंने सब जग भूल्या पाया, जब मैं सतलोक से यहां आया तो मुझे सब जग भूला पाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, जिसने वेदों की महिमा का गुणगान किया, वेद सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है और वेदों का भेद ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया और वेद पढ़कर पंडित भूलिया, वो मर्म भेद नहीं पाया, उसको तत्व ज्ञान नहीं मिला, इसी भूल में विष्णु भूला जिसने वैष्णो धर्म चलाया और तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव भरमाया। कहते विष्णु जी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं था। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया और सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया। जिसने पा गया भेद भ्रम का वो गर्भवास नहीं आया। परमात्मा कहते हैं कि जिनको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया वो फिर जन्म मृत्यु में नहीं आती, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। तो 600 वर्ष पहले कही हुई अमृतवाणी परमात्मा की झूठी लगे थी, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और नकली गुरुओं का दाव लगा रहा कि कबीर अशिक्षित है, ये अज्ञान बोलता है, सच्चाई नहीं जानता। और जबकि परमात्मा कोरी सत्य कहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये धर्मदास जी, इनका वैश्य कुल में जन्म था और यही लोक वेद के आधार से साधनाएं उसके गुरु जी ने बता रखी थी, रूपदास जी ने, वो किया करते थे, रामकृष्ण का जाप जपा करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण, ये इस तरह के जाप जपा करते थे और साथ में ओम नमः शिवाय ये मंत्र जो मन गणत है इसको भी जपा करते थे। पुण्यात्माओं, जैसा भी गुरुदेव ने ज्ञान पुण्यात्मा को दे रखा है वो तो विद्यार्थी की तरह अपना सिलेबस पूरा करने में जुट जाता है, होमवर्क टास्क वर्क पूरा करता है और उस लोकवेद के आधार से वो फेल होता है या पास होता है तो समय बताता है, लेकिन विद्यार्थी अपने टीचर के द्वारा दिए गए ज्ञान में संशय नहीं रखता, शंका नहीं करता। इसी आधार से धर्मदास जी को जो भी ज्ञान स्वरूपदास जी से प्राप्त हुआ था उसकी साधना करता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लगभग 60 वर्ष का हो गया। अब उसने सोचा कि अंतिम लास्ट स्टेज चल पड़ी हमारी 60 वर्ष के बाद, तो फिर गाड़ी स्लोप में हो जाती है नीचे ने। अब उसने सोचा कि अब कोई अपना तीर्थ यात्रा कर लेता हूँ। अपनी पत्नी से परामर्श किया और धन लेकर के तीर्थ यात्रा पर चल पड़ा।
रस्ते का खर्चा लेकर। तीर्थ यात्रा करता हुआ और वृंदावन में पहुंच गया। जिस तालाब में, जिस जोड़ में श्री कृष्ण जी स्नान कराया करते थे, जहाँ गौवें भी जल पान किया करती थी, उस वृंदावन के जोड़ में धर्मदास जी ने पहले तो स्नान किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ नहाया करते थे, ये पवित्र तालाब है। फिर उसमें से एक लोटा पानी का भरा और उस जल से फिर गोबर मिट्टी बना के मिला के गारा बनाई और कुछ स्थान को लीपा स्वच्छ किया और एक लोटा जल का भर के साथ रख लिया। उसी समय परमेश्वर जब बनारस में काशी शहर में प्रकट थे, सतलोक से चलकर आए हुए थे, वहाँ से अंतर ध्यान हुए परमात्मा और वृंदावन में प्रकट हो गए। एक संत की वेशभूषा बनाई, एक जिंदा महात्मा होते हैं, जिंदा महात्मा, जिंदा बोलते हैं उनको, जिंद जिंद पीर बोलते हैं उनको, जिंदा महात्मा। वो काला कोट पहनते हैं, एक ही ओवर कोट होता है नीचे तक का, घुटनों से नीचे तक का काला पतला सा कपड़ा होता, पतला सा, और एक अंडरवियर कच्छा पहनते हैं, सिर पे टोप पहनते हैं। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। वो भ्रमण करते रहते हैं, फक्कड़ फरी फकीर भी होते हैं। तो वो जिंदा महात्मा रूप बना कर परमात्मा धर्मदास के सामने बैठ गया। देख परमेश्वर के सामने कितनी डिफिकल्टी पैदा हो गई है, अपने अपने बच्चों को और अपने बारे में परिचित कराने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। काल ने कहा था जब परमेश्वर से वार्ता हुई थी, पहले तो परमात्मा के चरण पकड़ के वचनबद्ध कर लिया कि तीन युगों में जीव ना ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब तुम गवन संसार ही कीजे। जब परमात्मा ने कहा ठीक है तीन युगों में मैं जीव कम ले जाऊंगा पर चौथे युग में मैं बहुत जीव अपने छुटवा लूंगा तेरे से, ये वचन हो गए। तब काल ने कहा था कि तू जब आप आओगे ना चौथे युग, तीसरे चौथे युग में, कलयुग में, इन प्राणियों को भक्ति योग छोड़ूंगा नहीं, इनमें इतना ज्ञान भर दूंगा, भिन्न भिन्न पंथ बना दूंगा, नरे नरे द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और बारह पंथ में नाम जो ले ही हमरे मुख वो आन समेरी, और अनेक पंथ में चलाऊं और नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं, यानी बारह के बाद अन्य और भी बहुत से पंथ, ये राधा स्वामी पंथ, दंदन सदगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ, ये सारे काल के पंथ हैं। कहता ये सब भ्रमित कर दूंगा और उधर से देवी देवल धाम पुजाऊं, तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, इनको ऐसा फंसा दूंगा। और आप जब आओगे या आपका कोई संत आएगा वो कहेगा परमात्मा कबीर जी है, वो कहेगा वर्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, तो फिर उसके पीछे डंडे लेकर पड़ेंगे लोग कि वर्मा विष्णु, ये विष्णु को भगवान नहीं बताता है। और परमात्मा ने 600 साल पहले कहा था कि वो मेरा काम है फिर जब मैं आऊँगा। अब 600 साल पहले जब तो परमात्मा ने वो लीला कर दी जो भगवान किया करता है, तो उस समय इनकी दाल गल गई। अब परमात्मा ने कहा था बिचली पीढ़ी, अब ये बिचली पीढ़ी शिक्षित है और इस बिचली पीढ़ी में ये ज्ञान स्पष्ट होगा, क्योंकि शिक्षित अब सदग्रंथों को देखकर तुरंत मान जाएंगे। आपको शिव पुराण का प्रमाण देते हैं, थोड़ा सा ये दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, ये विष्णु और ब्रह्मा और ये शिव जी महेश, ये भगवान नहीं है। ये दास नहीं कह रहा लेकिन सह तो सच्चाई है,
परमात्मा ने 600 वर्ष पहले के आज हमारे सदग्रंथ पुराण बता रहे हैं, इनकी जीवनी बता रही है। देखिएगा ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग एक, ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, ये कहाँ से प्रकाशित है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, इतने से। ये देखिएगा शिव पुराण है 17 पृष्ठ, और ये नीचे विद्वेश्वर संहिता है, ये विद्वेश्वर संहिता भाग एक अध्याय 9 में। एक बार क्या था कि श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, वो कह मैं तेरा बाप और वो कह मैं तेरा बाप, इन दोनों के बीच में एक सतम डाल दिया इस काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने। इसके विषय में नंदीकेश्वर उनका बैल बता रहा है, उस काल का बैल बता रहा है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार, भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उन सबको अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। फिर क्या बोला वो, क्या कहता है कि और दूसरे को दोनों से कहा काल ने, क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं परंतु ईश्वर नहीं, अन्य कोई ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निसकल निराकार बता रहा है, निसकल, और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते, इस कारण तुम दोनों को, अब ब्रह्मा कहता मैं तेरा उत्पत्ति करता, विष्णु कहता मैं तेरा बाप, तेरा जन्म मेरे तो हुआ ना बीते, तो यहां बता रहा है कि इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने आप को तुमने भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया, अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। हम ये कहना चाहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, और ये इनकी हिस्ट्री बता रही है, इनका पिताजी कह रहा है कि तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, प्रभु मान लिया, स्वामी मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ, और तुम्हारा दिमाग ठिकाना करने के लिए मैं रणस्थान में आया हूँ, उसके दूर करने के लिए मैं रणस्थान में आया हूँ। आगे देखो, हे पुत्रो, काल कहता है कि हे पुत्रो ब्रह्मा और विष्णु को, यह कृत यानी सतीथि और उत्पत्ति का आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, और जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए। अब यहां देख लो पुणात्मा, दो तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हैं, और दो इसका आगे नारे और बता दिए, ये रुद्र और महेश, तो इसे और है, यू काल है जो इनसे अलग है, जिस जो सामने वास्तविक रूप में आता नहीं, जिस कारण से इसको निराकार मानने लगे, साधना की उससे ये मिला नहीं, इसके पाने की साधना वेदों में वर्णित नहीं है, तो जिस कारण से इसको निराकार मान लिया। अब धर्मदास जी वहाँ उस मथुरा के तालाब पर